इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अबजार। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो सभी लोग आ गए या कोई रह गया है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने क्वेश्चन लास्ट? थोड़ा सा मुझे रिवाइज करा दो, मुझे मतलब मेमोराइज करा दो। व्हाट वी हैव, फर्स्ट में इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स के पार्ट्स बाद। आ गया था आप लोगों को समझ में? यस अच्छा, मैंने एक असाइनमेंट डाला था ग्रुप में, किसी ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं किया उस पे। देखा था, देखा था या किया था? अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं स्कूल में ना। ओके ओके, ठीक है, बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है। क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, ठीक है, तो अभी हमने जो किया था, बाय पार्ट किया था। बाय पार्ट में हमने रूल सीखा था, आईलेट वाला मेथड सीखा था, फर्स्ट सेकंड किसको एज्यूम करेंगे ये भी हमने सीखा था। और हमने ये कंसीडर कर लिया था कि भाई जिसका डेरिवेटिव करना होता है उसको फर्स्ट मानते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसको सेकंड मानते हैं। यही सारी बातें की थी। फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा है तो साथ में वन एज्यूम कर लेते हैं और उसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि वन का डेरेवेटिव करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी क्वेश्चन डूब जाएगा, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स आ जाएगा। फिर हमने ये भी सीखा था कि कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें किसी लॉग के रूट के अंदर, स्क्वायर के अंदर, यानी फंक्शन के इनसाइड बैठे हुए होंगे, तो उसको टी पुट करना हमने सीखा था। और कई सारे क्वेश्चंस हमने अलग अलग तरीके से किए थे कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको ये मान के भी कर सकते हैं, इसको ये मान के भी कर सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कैंसिलेशन। लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या होता है? बाय पार्ट ही होता है, बट इसमें थोड़ी सी अप्रोच बढ़ जाती है। क्या होता है आगे बात कर लेते हैं। तो सारी बातें छोड़ के लॉ ऑफ कैंसिलेशन का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, करना कैसे होता है, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अगला आप खुद से लगा दोगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको क्या किया, सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस, या इसको कह दूं डी एक्स, और माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आएगा। आप समझदार हैं, और समझदार हैं तो इसको मैं फर्स्ट मान सकता हूँ, इसको सेकंड मान सकता हूँ, और इसको एज इट इज फॉलो कराऊंगा। देखो आंसर जो आने वाला है, आंसर इतना आने वाला है माइनस समथिंग कुछ आएगा, माइनस एक्स ई एक्स समथिंग कुछ आ जाएगा। देखिए कैसे, मैंने इसको फर्स्ट माना, ये ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया, माइनस डी अपॉन डी एक्स हो गया, और यहां पर आ गया आपका एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो गया क्लोज, और बाहर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स तो पड़ा हुआ है। थोड़ा सा एफर्ट लगाया तो आपको मालूम है इसका इंटीग्रेशन ओवरऑल क्या आएगा, दैट इज माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये वन हो जाएगा, तो वन का कोई मतलब नहीं, यहाँ से माइनस वन आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यही चीज पहले से पड़ी हुई थी, तो समझदार को इशारा काफी है कि इससे इसकी लंका लग गई, और ये हो गया माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो आपने क्या समझा, आपने क्या समझा ओवरऑल, कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन को देख के क्या आप आंसर बता सकते थे? सर बच्चों तो ये तो मैंने आपको कैंसिलेशन करना सिखा दिया, दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कैंसिलेशन, लेकिन मैं आपको अगले क्वेश्चन में सामने रख रहा हूं और सीधा आंसर बताऊंगा। ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन, क्या कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है? एक और देख लेते हैं पहले, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, कोई बच्चा मुझे आंसर बताएगा इसका? सर, बताओ, एक्स कोई ई की बता पावर सकता है? एक्स, सर एक्स ई की पावर एक्स, एक्स e की पावर एक्स, क्यों? यहाँ तो साइन एक्स और कॉस एक्स है। की पावर एक्स साइन एक्स। ई की पावर एक्स साइन एक्स, क्योंकि
हमें मालूम है इसका डेरिवेटिव साइन एक्स क्या होता है, ये होता है। कॉस। ठीक है, तो अभी मैं आगे ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ई की पावर कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हो इसमें? सबसे पहला काम ये कर सकते हो कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ई कॉट एक्स दिस इज वॉट कॉस एक्स माइनस, या ये हो गया डी एक्स दिस इज ई कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। एक बात बताइए, क्या इस वाले में, पहले वाले में मुझे कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता होता है? यस ओके क्या कॉटेक्स का कुछ पता होता है, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन? सोच के बताइए थोड़ा सा, होता है। थोड़ी सी अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, ठीके? तो बताइए किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड मानूं? बताइए, चलो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट मानता हूं और इसको सेकंड मानता हूं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको तो मैं रखूंगा, ये मेरा आई है, या आई टू मान लो, या आई मान लो, आई टू मान लेता हूं। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मालूम है ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और ई की पावर कॉट इस कॉट एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स दैट इज वॉट कॉस एक्स इंटू ई की पावर कॉट एक्स डी एक्स, और ये हो गया डी एक्स क्लोज, और ये आपका आई टू, ये आई से चल रहा है, आई इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा कॉस एक्स। ई की पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बता पाएगा? मुश्किल है बताना? यस तो अगर मुश्किल है तो अगर मैं इसको रिवर्स कर लेता कि मैं ऐसा ना करके इसको ऐसे करता, जहां पर ये लिखा हुआ है वहां पर दूसरा लिखूं, जहां दूसरा लिखा हुआ है वहां पहला लिखूं, तो आप समझ जाएंगे कि अप्रोच आपकी जो लगाना चाहते हो वो लग जाएगी। चलिए लिखता हूं मैं, देखिए। तो भैया इस बार हमने क्या माना, कॉज एक्स को सेकंड मान लिया और इसको फर्स्ट मान लिया ऐसे। ठीक, तो यहां पर आ गया ई कॉट एक्स और ये आपका कॉज एक्स, इस तरीके से हो गया मान लो। तो ये तो सेम रहेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस ई कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स है, तो ये एक तो सेम रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का बोलो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव क्या, ई कॉट एक्स सेम रहेगा और इसका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और माइनस की वजह से ये प्लस हो गया होगा, और इस कॉस एक्स का क्या आ गया होगा, साइन एक्स आ गया होगा, और डी एक्स और माइनस आई टू। थोड़ा सा अगर आप देखो ध्यान से, मन की आंखों से देखो, आपको चमकने लगेगा कुछ, क्या चमकेगा, ये लिखा हुआ है ई कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या आपको दिख रहा है या मुझे ही दिख रहा है? यस और अगर ध्यान से देखो तो ये आई टू है, दिख रहा है, यस तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर बताओ कितना आया, क्लियर है बच्चों, यस क्लियर है सबको? ओके सर आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है आपके सामने, इसको कैसे करें? तो सबसे पहला सिंपल काम ये हो सकता है कि मैं इसको e की पावर साइन एक्स को ऐसे ही रखूं और सेपरेट कर लूं, तो सेपरेट करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और साइन अपॉन कॉस से टेन बन जाएगा और एक बन जाएगा सेक एक्स डी एक्स। थोड़ा सा एफर्ट लगाया तो e की पावर साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस e की पावर साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब बताओ इसको कैसे करें, जब ऐसी सिचुएशन बन जाए। आइए सर लव दे दीजिएगा, थैंक यू, दोनों चीजें दे दीजिए, ये बच्चे भी तो खाते पीते रहते हैं बैठ के सामने।
तो हमें थोड़ी रोक रहे हैं। तो इस केस में क्योंकि तीन तीन फंक्शन आ गए, तो आप इस केस में ऐसा कर सकते हो कि ये e की पावर साइन एक्स को मान लीजिए आपने फर्स्ट मान लिया, तो एक्स कॉस एक्स को आप सेकंड मान लोगे। यानी कहने का मतलब आप इसको सेकंड मान लेना या फर्स्ट मान लिया आपने, तो ये आपका हो गया सेकंड। और इसी तरीके से e की पावर साइन एक्स और ये टेन एक्स सेक एक्स को इसको कुछ मान लेना। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? इसको फर्स्ट मान लिया तो सर इसको सेकंड मान लिया, कोई दिक्कत? नो ठीक है। अब आगे जाके आपको इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा टेन एक्स सेक एक्स का, या इसके रिवर्स मान के देखना। ठीक है, तो इसको आप करना खुद से, मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। एफर्ट मारना, अगर आपने इस क्वेश्चन में एफर्ट मार लिया तो इसके जैसे सारे हो गए। ठीक है, अगला देखिए। कहीं पर लिखा हो तीन तीन फंडे हैं, सीधा एफ और एफ डैश दे रखा हो, जैसे कि हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया। दूसरा फंडा कि क्वेश्चन में मैक्सिमम जगह पर लॉग दे रखा हो, तो लॉग एक्स को टी पुट कर दो। और तीसरा फंडा ई की पावर में जो फंक्शन दे रखा है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस फंक्शन को टी पुट कर लो। ये तीन फंडों से ही सारे क्वेश्चन होंगे आगे के। पहला फंडा प्लस माइनस करके एडजस्ट करना। क्या है पहला क्वेश्चन, ये देखिए। ये क्वेश्चन है, आंसर आपको पता है भाई, हमें मालूम है कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा और इसमें भी करूंगा, बाद में इसको एक को इसको फर्स्ट मान लूंगा और इसको सेकंड मान के सॉल्व करूंगा, तो ये पीछे वाला कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर है, लेकिन मैं क्वेश्चन रखता हूँ ये, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी यही क्वेश्चन की। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव पता होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव पता होता है, तो इसका मतलब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो है एफ प्लस एफ डैश वाली फॉर्म है, ये ऐसा लगता है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या हो गया आंसर, ये हो गया कि नहीं हो गया? क्या चाहिए सर? बच्चों क्या क्लियर हुआ ये बात कि ये कौन सी फॉर्म है? क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मान लो फॉर्म नहीं भी याद रहती, मैं जरूरी नहीं समझता कि आप रट्टा लगा के बैठे होगे आप कर लोगे इसको। अगर नहीं भी पता तो e की पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर कॉज एक्स डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। और आपको मालूम है जब हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं फॉर्मूले में माइनस आ जाता है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे। तो देखिए ये हो गया साइन एक्स ई की पावर डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, दिस इज वॉट साइन एक्स, और आपको मालूम है साइन एक्स से कॉज एक्स आने वाला है, तो ये हो गया e की पावर डी एक्स दैट इज डी एक्स, क्लोज कर दिया। और ये बाहर कौन पड़ा हुआ है, e की पावर एक्स कॉज एक्स डी एक्स, यहां से e की पावर साइन एक्स आ जाएगा और यहां से कॉज एक्स इंटू e की पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा, और यही सामान पीछे लिखा हुआ है। तो देखिए अगर हम सीधा भी करते तो यही आया था, और सीधा नहीं करते तो भी यही आता। क्लियर है बच्चों? यस अगला क्वेश्चन रख रहा हूं आप लोगों के सामने, तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सर कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है ई एक्स एफ प्लस एफ डैश, ये ऐसे लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो, समझ रहे हो? एक बार फिर क्वेश्चन को लिख के दिखाता हूं। ई की पावर एक्स दिस इज कॉज एक्स प्लस माइनस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से समझो तो। क्या क्लियर है आप लोगों को ये बात? यस किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों यहां तक? हाँ भाई देवी और सज्जनों, किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो यहां तक। अब ये जो चैप्टर है ना, ये इंटीग्रेशन, ये आखिरी चरणों में चल रहा है, मतलब इसकी ना आखिरी सांसें बची हुई हैं दो चार, बस वही चल रही हैं। तो धीरे 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 दम तोड़ेगा, तो आप लगे रहो इसमें। ठीक है, दिव्यांशी नहीं आई है ना आज? हाँ दिव्यांशी नहीं है आज, ठीक है आगे चलते हैं। तो इसका मुझे आंसर बताओ फटाफट से, एक्स आंसर बताओ। एल एन साइन एक्स देखो अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता तो क्या आता, साइन एक्स, और इसका आ जाता कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ये कॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका एफ डैश, और समझदार लोगों को इशारा काफी होता है
और वो क्या लिख देते इसको, कुछ ऐसा लिख देते। क्या क्लियर है सबको ये बात? बोलो। अच्छा किसी को चाय पीनी है, चाय है या पीनी है किसी को? हाँ यस किसी को नहीं पीनी? सर, ये वाला दोबारा होता ना सर? दोबारा बताऊं ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके तो जोर से बोलो, क्या दिक्कत है, बता देंगे। सर सोच रहा था सर। अच्छा, किसी को चाय तो नहीं पीनी, किसी को नहीं पीनी, अरे किसी को भी नहीं पीनी, बताओ। हद है यार भगत सिंह, सर मैंने तो पी ली थोड़ी देर पहले। पी ली? अच्छा चलो नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, समझो। अगर मान लो, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि कहीं पर लिखा हो e की पावर x f प्लस f डैश अगर दे रखा हो क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ये होता था। ठीक, ये मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो e की पावर x ये log साइन x dx प्लस e की पावर x cot x dx ये लिखा हुआ है। मैंने अपनी मर्जी से फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, क्योंकि मुझे मालूम है लॉग साइन एक्स को जिस दिन मैं डेरिवेटिव करूंगा कॉट एक्स की तरह दिखेगा। तो यहां पर लिखा मैंने लॉग साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, दैट इज व्हाट लॉग साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, और डी एक्स हो गया क्लोज और बाहर पड़ा हुआ है ई की पावर एक्स, दैट इज व्हाट कॉट एक्स डी एक्स, राइट। ये वाली पार्टी तो सेम रहती है, ये तो बिल्कुल मटके के समान होता है। यहां हो गया वन अपॉन साइन एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स बोले तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, इसका ये सेम रहेगा, और ये डी एक्स प्लस ये ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो, ये और ये सेम ही लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आंसर सीधा लिखो या इतनी मेहनत करके लिखो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कौन है, आदित्य बाबू है? कौन है? यस सर। आदित्य। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको यूजली देखने को मिल जाएंगे और कई सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चन एडजस्टमेंट से होते हैं। आप देखो नीचे क्या है, नीचे प्लस वन है, तो लगभग आपको ऐसा ही कुछ बनाना है। तो कैसे बनेगा? हाँ, तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी से प्लस वन और माइनस वन किया, और मैंने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अलग कर लिया और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अलग कर लिया। अब इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को आगे करूं, मुझे कोई एक बच्चा एक छोटी सी बात बता दे, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं मैं उस बच्चे से। और छोटी सी बात क्या है? छोटी सी बात है कि e की पावर x और 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। क्या कोई मुझे बता सकता है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता होगा? -1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर। तो क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो इसका क्या होगा? -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा होगा? यस। अच्छा, और अगर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर होता तो थोड़ा सा फर्क और आता कांस्टेंट का। तो ध्यान से देखो, क्या आपको ये 1 बाई x की तरह नहीं दिख रहा ये, और ये आपको उसके डेरिवेटिव की तरह नहीं दिख रहा? दिख रहा है? अरे दिख रहा है? सर। अच्छा चलो, एक स्टेप मैं इसको करा के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वहीं से ऊपर से आंसर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस e की पावर x को ऐसी रखा और ये x प्लस 1 dx लिखा, तो ऑब्वियस सी बात इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। तो ये हो गया x प्लस 1 e की पावर x dx माइनस d अपॉन dx x प्लस 1 इंटू e की पावर x dx dx, और बाहर तो जो पड़ा हुआ है वो पड़ा रहने दो, ये सेम रहेगा, दैट इज एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स। इसका क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये ई की पावर एक्स डी एक्स ऐसे ही रहेगा। और आप देख रहे हो ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी सेम है, आंसर क्या आ गया, ई एक्स इंटू 1 अपॉन
वन प्लस एक्स ये आ गया और प्लस सी आपको लगा दिया। अब यही बात मैं यहां से लिख देता तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे एक पावर कम हो गई तो ये लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है वन अपॉन ऐसे लिख दूं, किसी कोई आपत्ति बताओ, किसी कोई आपत्ति है इस बात से? नो देखो ये ऐसे लिखा हुआ था तो आंसर क्या हो गया था, ई एक्स इंटू एफ, तो एफ की जगह पर कौन है ये, तो आंसर क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया। क्लियर है कि सबको ये बात? हाँ भाई क्लियर है, सर। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन रख रहा हूं और करो इसको। ये रहा अगला क्वेश्चन, शुरू हो जाओ, खुद से एडजस्ट करो, नीचे टू है, टू बनाना है, करो, तब तक हम चाय पीते हैं। आंसर आ गया सीधा, आंसर बताओ क्या है, पेन भी आया पावर साथ में, बताओ आंसर क्या है। एक्स वन अपॉन एक्स प्लस टू। अपॉन एक्स सही है। चलो सब लोगों का आ गया आंसर, रेज योर हैंड अगर आ गया सबका तो। कुणाल भगत, रजत आपका आया? यस श्रेया का भी आ गया, गुड। स्वामिल का आ गया, अबुजार नहीं है, आदित्य सर। कर रहा हूँ सर, स्टार्टिंग हो गई सर, एक स्टेप हुआ। करो फटाफट से खत्म करो। भाव्य दिखता, दिखता बेटा आंसर आया नहीं आया? नो सर। नो। अच्छा कुणाल, सर आगे गुड। मानस, मानस कभी नहीं बोलता। सक्षम, सक्षम हैव यू डन इट? नहीं बोलेगा ये भी। चलो कुछ नहीं था, ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। आपने अपनी मर्जी से इसमें वन ऐड कर दिया और वन हेड हटा दिया, तो ये हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, और ऐसा करने से अगले स्टेप में ये दिखेगा, ई की पावर एक्स एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये दिखेगा ई की पावर एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। और अगले स्टेप में अगर मैं एक बार वापस लिख दूं इसको उसी फॉर्म में, तो कटने के बाद ये इतना बचा और ये इतना बचेगा, अब मुझे इतना सा बताओ सिर्फ, क्या ये इससे मैच कर रहा है? बताओ जल्दी। और अगर मैच कर रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए, e की पावर x इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी, अदरवाइज इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, शुरू करो लास्ट वाला खत्म कर दो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहे हैं आप। क्लियर ना हो तो मुझे यस बता देना भाई लोगों। देखो सर, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आए तो। वहां पे भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब। एनसीईआरटी की जब आप बुक पलट के देखोगे तो उसमें लिखा है कहीं पर।
ओके सर ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी टाइप लॉग वाली, जैसे मैंने कहा तीन फंडे होते हैं तो दूसरा फंडा बताने जा रहा हूं मैं आपको। अगर मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है लॉग के फॉर्म में दे रखा है तो लॉग एक्स को पकड़ लो और उसको कहो भाई टू टी बन जाओ। कैसे? तो इसको टी बना के फायदा क्या होने वाला है, तो मैक्सिमम पार्ट लॉग में दे रखा है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है बाय पार्ट का है, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, ये क्वेश्चन रूट का है, कौन सा क्वेश्चन है? जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मालूम तो आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? सब्स्टिट्यूशन। जब कुछ नहीं पता तो सब्स्टिट्यूशन तो ढूंढते ही ढूंढते हो। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करके देखा। हमने देखा कि अगर लॉग एक्स को मैं टी पुट कर लूं तो मुझे मालूम है एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी हो जाएगा, और ऐसा करने से ये डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी डी टी हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इस वाली पार्टी को आपने टी पुट किया है तो ये हो गया टी। आपने नीचे वाली पार्टीज को भी टी पुट किया है तो वो हो गई टी। और क्या आ गया, ई टी डी टी आ गया, किसकी जगह पर, डी एक्स की जगह पर। और जैसे ही कुछ पढ़े लिखे बच्चों ने इसको क्वेश्चन को देखा, मुझे देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ मैं ये बात। यस सर। अब वो पढ़े लिखे बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ई की पावर टी, अपनी मर्जी से नीचे जैसा बनाएंगे, तो नीचे जैसा तो ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा और कोई तरीका तो है नहीं। और प्लस वन किया है तो माइनस वन करेंगे, तो वो कुछ ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक। और थोड़ी सी मेहनत और करेंगे वो तो उनको ये दिखाई देगा e की पावर t 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा याद है आज से 200-300 साल पहले हमने किया है। किया है ऐसा क्वेश्चन? yes. हाँ, हमने 400 साल पहले किया था। तो इसका आंसर आ गया, दिस इज व्हाट, इसका आंसर आ गया e की पावर t 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। और t की जो ओरिजिनल वैल्यू, e की पावर t की वैल्यू कितनी है, e की पावर t दैट इज इक्वल टू x अपॉन t की वैल्यू कितनी है, log x। तो ये आ गया log x प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो। आगे बढ़ते हैं, क्या करोगे भाई लोगो? वैसे भी आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको नहीं मालूम बाय पार्ट का है किसका है, भाई पिछले क्वेश्चन में नहीं मालूम था ना यहां तक, और यहां पहुंचते ही मालूम पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। ऐसे इसमें नहीं मालूम तो मैंने कहा लॉग एक्स को क्या करो, पुट करके देख लो। तो लॉग एक्स को अगर पुट करके देखा तो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी देखने लगा, और थोड़ी देर में आपको ई की पावर टी डी टी देखने लगा। तो पढ़े लिखे बच्चों की तरह, किसकी तरह, पढ़े लिखे की तरह, तो e की पावर t आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा आपका साइन t, और ये हो जाएगा cos t। और मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है ये सेम क्वेश्चन हमने कहीं किया था, किया था कहीं पर? yes. कब किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में? अभी क्या, अभी किया था। चलो फिर तो किसी को तो याद है, चलो आंसर बोलो। चलो e की पावर t साइन t। खत्म, आगे बढ़ रहे हैं। देखो किसी का डेरिवेटिव किसी का कहीं दिख रहा है क्या? देखो जरा सर, इसमें आप एक्स प्लस और माइनस कर लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक्स प्लस और माइनस करूं? वन बाय एक्स। अच्छा, तो बच्चे ने मुझे सलाह दी, एडवाइस दी, He advised me कि सर ये log x लिखा हुआ है तो आप अपनी मर्जी से प्लस x माइनस x कीजिए, और ये बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट है। तो ऐसा करने से थोड़ी देर में ये e की पावर x ही रहेगा, ये आपको दिख जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x, और ये आपको दिख जाएगा माइनस, बाहर ले लो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। और अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हो तो आपको मालूम है कि अगर कहीं log x प्लस 1 अपॉन x लिखा हुआ है और इसका कोई डेरिवेटिव करने को कहे तो वो कुछ ऐसा आएगा। क्या आप लोगों को ये बात पता है, यस और नो? यस। तो इसका मतलब ये आपका
एफ है, और ये आपका क्या है, ये आपका है एफ डैश, ठीक है। माइनस को एडजस्ट कर लेना प्लस माइनस करके, तो आई थिंक आंसर आ जाएगा e की पावर x log x प्लस वन अपॉन x प्लस c। और सॉल्व तो आप कर ही लोगे, अगर सॉल्व करना पड़े आपको तो कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग बता दो बस, फिर आगे बढ़ जाएंगे। नीचे के जैसा बनाना है, आप ये बात सुन लो बस, नीचे वाला अगर ऐसा यहां होता तो मजा आ जाता, टू एक्स प्लस माइनस कर देंगे, हाँ तो खत्म। e की पावर x x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर, कितना गंदा लिख रहा हूं मैं आज, ऐसे लिखता हूं साइड से। तो e की पावर x ये लिखा हुआ है x प्लस वन का स्क्वायर स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है x प्लस वन का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है 2x अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर dx। इससे क्या समझे यार, कुछ समझ में आया इसे? ये तो खत्म हो गया, इधर वाला खत्म हो जाएगा क्या एक्चुअली? ये तो खत्म हो गया, तो ये कुछ ऐसा बचा, इसको कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी के पास? इसे जब वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ex का तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे वाले में 2 into ex x हो जाएगा, तो 2 बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, और फिर x मतलब आप ये कह रहे हो कि सर आप इसमें सिर्फ इतनी सी मेहनत कर लो, इतनी सी e की पावर x प्लस 1 माइनस वन, ऐसी मेहनत करने को कह रहे हो ना आप मुझसे? यस सर, है ना, तो इसका तो आप कर ही लोगे, तो माइनस टू ये फिर दो पार्ट में टूटेगा, e की पावर x x प्लस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x और x प्लस वन का होल स्क्वायर। समझदार लोगों को वैसे पता है इससे ये कट जाएगा, और इससे जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा माइनस टू इंटू ई की पावर एक्स और एक्स प्लस वन, और ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई लोगों? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब, तो ये कुछ नहीं है, देख लेना अपने आप। लॉग एक्स इसमें क्या करें, इसमें log x मल्टीप्लाई बाय 1 ले लेंगे एक को, मतलब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ये log x है और ये प्लस 1 है और यहाँ इनटू में 1 ले लूं और इसको फर्स्ट मानूं और इसको सेकंड मानूं, ये कह रहे हो? मतलब ये कह रहे हो क्या? मैं तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का कह रहा था। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने को कह रहे हो आप कह रहे हो कि इसको किधर गया, आप कह रहे हो इसको ऐसे करके यहाँ वन ले लो और इसको वन dx अलग ले लो, ऐसे कह रहे हो आप, राइट? यस सर। और ऐसा हमने किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक? Yes. तो यहाँ पे एक्चुअली दो मेथड हो गए, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक आप ऐसे कर सकते हो, क्या किसी और तरीके से भी किया जा सकता है क्वेश्चन ये? सर लॉग को टी लेंगे, लेख के देखते हैं। चलो log x को अगर t लिया तो x इज इक्वल टू e की पावर t हो गया, और ये हो गया dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। तो ऐसा करने से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया होगा t प्लस 1 और ये हो गया होगा e की पावर t dt। पढ़े लिखे लोगों को मालूम है, पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे, पढ़े लिखे लोग कहेंगे e की पावर t इंटू टी प्लस e की पावर t dt, ऐसा कुछ कहेंगे। आपको मालूम है या यहाँ भी छोड़ो, यहाँ इतना करो ही मत, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो e की पावर t f प्लस f डैश दिखाई दे रहा है या नहीं? भाई t का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। वन। तो
तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, e की पावर t इंटू टी प्लस सी, और t की जो भी ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज व्हाट, log x, और ये आपका log x प्लस सी. e और l मतलब ln है ये, तो ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x log x प्लस सी. इससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा. ये हो गया आपका मेथड थ्री. कोई दिक्कत, कोई ऐतराज किसी को? चलो आगे बढ़ रहे हैं. तो अब ये चिल्लड़ जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है. तीसरा मेथड भाई, एक्सपोनेंशियल के अंदर कोई फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए, एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई पावर आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, जो फंक्शन दे रखा है उसी को टी पुट कर लो. जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये रहा क्वेश्चन. देखो ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल में क्या आ गया, कोई फंक्शन आ गया. तो मैंने कहा भाई तुम इधर आ जाओ, टेन इनवर्स एक्स को मैंने इधर बुलाया, टी के इक्वल रखा, और ये क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा कुछ हो गया. चलिए सर मान लिया ऐसा कुछ हो गया, तो अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो ये तो टी हो गया, ठीक. इस सब की जगह कौन आ गया, इस सब की जगह डी टी आ गया. इसका क्या करें, इसका बताओ, किसी के पास कोई रास्ता, कोई सलाह, कोई एडवाइस? ब्रेक कर लेते हैं. किस किस में करें बताओ, देखना जरा इसको, देखो जरा काम करते हैं इसमें. ये x इक्वल टू टेन टी दिखाई दे रहा है क्या आपको, इसमें जो वन है उसे अलग लेते हैं और x को कर लेंगे कॉमन में. सर tan इनवर्स x इक्वल टू t है ना, x इक्वल टू tan t आ जाएगा, तो dx अपॉन होगा इधर d स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan t और प्लस tan स्क्वायर t हो जाएगा, ऐसा कुछ secant स्क्वायर अपॉन हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव अंदर ही लिखा है. अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, ये 1 है, ये tan t है, ये tan स्क्वायर t है, और ये आपका dt है. इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना. और पढ़े लिखे लोग अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी को साथ लिख दें तो किसी को पेट में दर्द तो नहीं होगा, बताओ जल्दी से. अरे साथ में लिख दूं किसी के पेट में कोई दर्द, ये और ये साथ में लिख दिए, और अगर इसको ऐसा लिखा हुआ है, मैंने इस टेन टी को यहां लिख लिया, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर टी को मैंने sec स्क्वायर टी लिख दिया, किसी के पेट में कोई दर्द? अरे बताओ जल्दी. नो सर. नो. और अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, t इंटू टेन टी प्लस t इंटू sec स्क्वायर टी डी टी. क्या आप कुछ कर सकते हो, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा. क्या ये बात सबको समझ में आई? सर वहां पे जो आपने टी लिखा हुआ उसका ई रेस्ट टू पार्टी नहीं आएगा? और देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं. ई लो खत्म ही हो गया, फिर लो आंसर ही आ गया. अगर ये है ना यहाँ पर ई की पावर टी, ई की पावर डी, खत्म हो गया आंसर आया. बताओ देखो क्या आपको आंसर ये दिखाई दे रहा है या नहीं? Yes, sir. ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई e की पावर x f प्लस f डैश dx वाली फॉर्म, और जिसका आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c, तो उसी से मैंने ये कर दिया. अदरवाइज एक को फर्स्ट मानो, एक को सेकंड मानो, सॉल्व करो, ये इसमें से माइनस का ऐसा आ जाएगा, तो कट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी. कोई ऐतराज किसी को? बोलते नहीं हो, सब के सब भूखे बैठते हो. अरे भाई खा पी के क्यों नहीं बैठते तुम लोग, एनर्जी कहाँ जाती है तुम्हारी? अच्छा आजकल तुम लोग स्कूल जा रहे हो? यस सर. यस सर. स्कूल मजा आ रहा है खूब? यस सर. डेढ़ साल बाद स्कूल जाने को मिल रहा है तो मजा तो आ ही रहा होगा, ये थक जाते हो? सर थक तो जाते लेकिन मजा तो होती है. हाँ मजा आना चाहिए. देखो थकान तो होगी, एक्चुअल में क्या होता है, जो स्कूल एजुकेशन है ना, स्कूल एजुकेशन इसलिए नहीं है कि स्कूल में पढ़ना है, स्कूल एजुकेशन ये है कि वहां पर एक एनवायरनमेंट होता है स्कूल जाने का, दोस्तों से मिलने का, दोस्तों से लड़ने का, लंच शेयर करने का, पानी के लिए भागने का, और वॉशरूम के लिए होता है ना, मे आई कम इन मैम,
वाला जो होता है ऐसे आंखों में डाल के उंगलियां ये और सर ये चल तू भी चल वॉशरूम साथ में। हाँ और वॉशरूम जो जस्ट क्लास के बराबर में है लेकिन जो है बच्चा वॉशरूम के लिए जाएगा पूरा राउंड मार के आएगा स्कूल का फिर घूम के वहां पहुंचेगा। होता है ना स्कूल में करते हो ऐसा? नहीं करते तो निकल जाते बंक पे। बंक पे भी निकल जाते हो सर स्कूल के अंदर ही? स्कूल के अंदर ही यस सर। हाँ आप आपका स्कूल तो यूनिवर्सिटी है वैसे भी अपने आप में। हाँ भी भगत सिंह नहीं सर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कभी किसी लैब में घुस जाएंगे कभी किसी लैब में घुस जाएंगे। अच्छा वैसे भी तुम्हारे स्कूल के आसपास जो बाकी के दो स्कूल हैं वो यूनिवर्सिटी की तरह ही तो चलते हैं। यस सर। हाँ जब मर्जी उठाओ किताब एक रजिस्टर लेके आते हैं बच्चे और चले जाते हैं यही तो होता है वहाँ पर। पहले सर मैं भी यही करता था दो तीन रजिस्टर और चल दिया स्कूल। दो तीन तो बहुत बोल रहे हो एक कॉपी टेढ़ी करके पॉकेट में घुसा लाते थे बच्चे। मैंने देखे हैं मैं कभी कभार उधर से ऐसे जाने का मौका मिल जाता है तो मैंने देखे हैं एक रजिस्टर या एक कॉपी होती है उनके पास वो उन्होंने अपनी जीन्स में या अपने जो स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते वो लोग तो स्कूल यूनिफॉर्म में पैंट में जो होता है ना डाल रखी होती है बात खत्म। सर वो तो सामने और बगल वाले स्कूल के बच्चे करते हैं ना। हाँ सामने वाला जो है और उसमें ऐसा करते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है आस पड़ोस वालों से या नहीं पड़ता? सर हम तो जब भी बदमाशी करते हैं क्लास में। बदमाशी में कुछ नहीं रखा बदमाशी बेकार की चीज है। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लोगे ठीक है क्योंकि sec x का जो होता है ना sec x tan x होता है आपको याद करो। देखो ध्यान से कैसे दिख रहा है पता नहीं क्यों मुझे ये क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा है और पता नहीं क्यों आपको भी शायद ऐसा ही दिख रहा होगा। Am I right? और इसका कुछ ना कुछ रिश्तेदारी इस पूरे से है क्या आप इस बात को मानते हो? और अगर आप इस बात को मानते हो तो बस हो गया खत्म। ये दिखता कहां से हो रही है रिप्लाई नहीं कर रही बिल्कुल भी दिखता? सर बोल तो रही हूँ। आर यू अलाइव? नो सर। नो हाँ ये वाला सही आंसर है और वो दूसरी वाली कहाँ है उसका तो मैं नाम भूल जाता हूँ। श्रेया श्रेया यस सर। थोड़ी सी जिंदा हो आप? यस सर। चलो थोड़ी सी हो आपकी आवाज से लग रहा है। अबुजार अबुजार अरे भाई अबुजार कहाँ गया? सो तो नहीं रहे भाई क्लास में? नो सर। चलो समझ आ रहा है इंटीग्रेशन? नेटवर्क थोड़ा इशू है। यस सर। चलो आगे चल रहे हैं भाग के। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। ये क्वेश्चन देखिए मैं कराता हूं और फिर आगे दौड़ेंगे। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई में आया हुआ इसलिए याद है मुझे वैसे तो याद नहीं रहते इसलिए याद है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर कोई उल्टी सीधी चीजें ये फाई वगैरह ये जेई वेई के क्वेश्चन में ही आते हैं इसलिए मुझे याद है। और इसको कैसे करेंगे भाई इससे ये लाना है तो एक बात मेरी समझिए कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो कहीं पर अगर एफ टी डी टी फाई टी लिखा हो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है बिना किसी झिझक के कोई भी सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो क्या सर कल को यहां पर ऐसा मिल जाए दिस इज इंटीग्रेशन दिस इज एफ ऑफ पी डी पी एंड फाई ऑफ पी तो भी क्या बराबर होगा? मैंने कहा हाँ ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा मतलब काम हो गया अब क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने क्या किया फटाफट से यहां से इसको बुलाया कि भाई तेरे हालात खराब करने हैं हमें तो देख तेरे हालात हम ऐसे करेंगे कि x की क्यूब लिखा हुआ है f ऑफ x की क्यूब लिखा हुआ है इसका x स्क्वायर तोड़ के मैंने साइड में लिख दिया किसका x स्क्वायर इसका इसको x की 3 इंटू x की 2 लिख दिया था किसी को एतराज? नो सर। पक्का? अरे घबरा क्यों रहे हो बोल दिया करो पक्का कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हम सही है। फिर हमने क्या किया पुट किया x की पावर क्यूब को t और ऐसा करने से यहां पर ये दुर्घटना घट गई और अगर ये दुर्घटना घट गई
तो फिर आपको दिखने लगा ऐसा, और थोड़ी देर में ये पार्टी आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये टी दिखने लगेगा और ये एफ ऑफ टी दिखने लगेगा, और इस सब की जगह आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, और ये कितना डीटी है, वैल्यू डी टी, तो ये 1/3 तो मैंने बाहर ले लिया है। यार ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है, मैंने कहीं देखा है क्या इसको, हैं? तो 1/3 मैंने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, टी एफ टी डी टी माइनस टी इंटू एफ टी डी टी, और ये हो गया क्लोज। ठीक, तो ये 1/3 ऐसे ही रहा, ये टी ऐसे ही रहा, ऑब्वियस सी बात है ये भी ऐसे ही रहेगा, इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट टी का डेरिवेटिव 1, तो ओवरऑल आई कैन से कि ये कुछ ऐसा बचा। क्या आपको भी ऐसा ही दिख रहा है या सिर्फ मुझे ऐसा दिख रहा है? यस सर अच्छा, सबको ऐसा दिख रहा है। अब क्या करें ये बता दो मुझे, बस छोटी सी बात बता दो। सर जो मेरे पास राइट वाला, उसमें दो बार इंटीग्रेशन नहीं होगी, उसमें राइट वाला उसका डबल इंटीग्रेशन है ना, डबल इंटीग्रेशन कहां पर है बताओ। सर जो आपने लिखा हुआ है डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय, अपॉन यस सर ये वाला ये वाला, राइट वाला उसके, यस ये फिर टी सर का, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया। यस सर। एफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर यहाँ पर 5 ही आएगा, हाँ 5 टी आ जाएगा। ठीक है, यस ठीक है, ठीक फाइव है, टू डी टी का इंटीग्रेशन होगा ना, ठीक। तो यहां पर आ गया आपका, फाइव टी इसके बराबर है ये, ठीक है, ओके। अब क्या करें बताओ, चलो सर 1/3 कॉमन ले लें। जरूरत है लेने की, ऐसे छोड़ दें? जैसे ऐसे छोड़ दो, सी प्लस सी लिख के तो तो अभी तो ऐसे है, आप ठीक है। इंटीग्रेशन में 5x लिख सकते हैं। हाँ ये काम कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इनकी ओरिजिनल वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 1/3 टी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब, तो ये हो गया एक्स की क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब ये भी कितना आ गया, ये 5x आ गया, कितना आ गया 5x माइनस 1/3, आएगा हाँ क्यूब ना, आएगा, हाँ ठीक है। और यहां पे कितना आ गया, ये आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर फाइव एक्स क्यूब, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस सी। क्या क्लियर है सबको क्वेश्चन, तो क्लियर यस है ना सबको? मैं ये वाला स्टेप दोबारा लिख देता हूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ये गंदा सा दिख रहा है। सर, 5t.dt भी आएगा ना, एक मिनट, 1/3 तो ये आ गया, टी की वैल्यू है एक्स की क्यूब, एफ टी डी टी कितना है 5x के। अब 5x मतलब बोले तो एफ टी, अच्छा एक बार देखो यहां पर जो है क्या आएगा, एक्स की क्यूब आएगा तो वो एफ टी हो जाएगा, एफ आई एक्स की क्यूब रहेगा यहां पर एक तो, और ये ऐसे ही रहने वाला है, और यहां पर आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस सी। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर इस जगह पर जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, यस दूसरी वाली साइड में सर, उसमें उसमें .dt भी आएगा ना, डॉट डी टी जो ये बचा है, ये वाला, यस ये वाला डी टी साथ में अभी बचा हुआ है, क्योंकि इसका तो कुछ हुआ नहीं ना, एज इट इज रह गया। तो ये आपका आंसर आ गया, जेई मेंस में 2012 या 13 के आसपास कहीं आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन अब लोगों ने क्या किया और सारे बना डाले, जैसे एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर क्यूब है, इसका रिवर्स भी क्वेश्चन हो सकता था, यहाँ पे अंदर एक्स स्क्वायर लिखा होता तो भी क्वेश्चन हो सकता था। फिर उन्होंने एक्स की पावर 7 तो एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 2 में बना दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बना डाले और आपको इसके सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग जगह पर। इस क्वेश्चन को और कर दो बस, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता नहीं क्यों सैक 2000, ये भी जेईई का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, अगर किसी को याद हो कहीं देखा हो। कोई दिक्कत है किसी को ऐसा लिखने में? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देख लो इसको, ऑब्वियस सी बात है 2010 आगे आया हुआ है, आगे कब आता है किसी की कोई पावर अगर हो और उसका डेरिवेटिव कर दो तो वो आगे आ जाता है। इसका मतलब ये फर्स्ट रहा होगा और ये सेकंड रहा होगा। तो हमने क्या किया, sec 2010 cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स sec 2010 एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्लोज माइनस 2010 और सेक 2010 और ये एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ है। तो ये तो रहेगा सेम, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसी को पता है -cot x कितना? -cot x डॉट एक्स माइनस, ये 2010 आ गया, आगे कितना बचेगा sec 2009 x, और sec का किया तो कितना आएगा, डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव हो रहा है ना, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10 x, यही होता है। हाँ? अरे होता है, नहीं होता बताओ। यस ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ गया, आ जाएगा तो प्लस हो गया। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे टेन स्क्वायर एक्स का आप क्या लिखते थे, सेक एक्स लिखते थे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स और डी एक्स, और ये माइनस 2010। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को चमक गया होगा अब तक, यस चमक गया सबको या नहीं समझ, चमका इससे तो ये कट गया। ठीक, ये 2009 पावर है, ये एक पावर और है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 2010 सेक की पावर 2010 एक्स डी एक्स, और ये 2010, और ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये आपका सेक 2010 एक्स डी एक्स, और ये माइनस का सेक 2010 एक्स और कॉट एक्स। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, फाइनल आंसर आपके सामने है, क्या है, माइनस कॉट एक्स इंटू सेक 2010 एक्स प्लस सी। किसी को आपत्ति इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो ये जेई या आईआईटी का क्वेश्चन है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, एक डीपीपी है यहां पर, जो अब तक हमने बायपार्टी क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड डीपीपी है, तो ये आपको लगानी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, आप खुद सोचना। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसको अगर फर्स्ट मान लोगे और उसका डेरिवेटिव कर दोगे, लगभग लगभग ऐसा कुछ आ जाएगा नीचे वाले के जैसा। ठीक है, तो आपको खुद करना है। फिर ऐसा कुछ है, ये थोड़ा हिंट भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x² एडजस्ट करना बनाना याद करो, है ना। फिर ये अब इसमें क्या कर सकते हो, ऊपर एक्स ही क्यूब है तो एक्स क्यूब में -1 + 1 करके एडजस्ट कर सकते हो। ये एलन की क्यूब है तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, एलन की क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं है, ये कैसे है, तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको छोड़ देना। फिर ये है, यहाँ भी ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं होता, ये तो फंक्शन लिखने का ही बोर्ड तरीका क्यों हो गलत है। सकता हाँ, है एलन ये एक्स का ऐसे बोर्ड क्यों? होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा,
और ये वाला ऐसे होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो ऐसे ट्राई करना, फिर दो तीन क्वेश्चन और हैं ऐसे, तो इन सबको ट्राई करना है खुद से एडजस्ट करके, ठीक है? तो आई थिंक मैंने 15 क्वेश्चन दिया है, ये वाला दिखने में आपको हैवी लग रहा होगा लेकिन हैवी नहीं है, सेपरेट करके एडजस्ट करोगे तो। फिर ये भी दिखने में हैवी लग रहा होगा, तो लॉग एक्स वाला लॉजिक लगाना, सारा फंक्शन लॉग में पड़ा हुआ है ना, और जब पूरा फंक्शन लॉग में पड़ा होता है तो क्या करते हो? हाँ, एल एन एक्स को क्या मान लेना, टी मान लेना, और फिर एक्स इक्वल टू ई की पावर टी मान लेना, और फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है? इसमें दो बार मानना पड़ेगा। देखो अभी क्या दिखाई देगा, एक झटके में ये वाला क्वेश्चन आपका बन गया ये टी स्क्वायर, और ध्यान से याद करो ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने देखा है आज ही, सर जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने -1/t और +1/t किया था, याद है? सर ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बहुत सारे टाइप का होता है, तो लीनियर अपॉन लीनियर के क्वेश्चन हमने कर लिए क्या, बताओ? सर मैं याद दिला देता हूं, कहीं पर लिखा हो x+1, कहीं लिखा हो x+2, x+3, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। सर शुरुआत में हमने इसी से किए थे, तो हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, हमने मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड भी करना पड़ेगा, बस नीचे जैसा ऊपर बन जाए तो मजा आ जाए। तो हमने क्या किया, +1 और -1 कर लिया, और ऐसा करने से थोड़ी देर में ये फोटो आपको ऐसी दिखने लगी, 2x+3/(2x+3dx), और क्योंकि -1 किया है आपने, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 dx/2x+3dx, तो है ही, ये कट गया, तो इसका हो गया x/2, और आपको मालूम है ये 1/log वाला सिस्टम है, 1/x का कोई आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो आप क्या बताते हो, आप बताते हो log x, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दैट इज log 2x+3, बट द थिंग इज दैट 2x+3 का तो कुछ होगा ना, और उसका क्या आ रहा होगा, 1/2 और आगे जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो दो तीन क्वेश्चन मैंने यहां पर दिए हैं, तो उम्मीद करता हूं आपसे हो जाएंगे। 2 से एडजस्ट करके 3 दे रखा है, 3 यहां पर दे रखा है, तो किसी तरीके से 3 अंदर पहुंचाना है, 3 हटाना है, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा सबसे, सभी लोग मुझे पहले बताओ। हाँ कैसे भाई बालिकाओ, आलोस बेटा हो जाएगा क्वेश्चन ही वाला, आलोस आलोस बाबू, सर विल यू, मनस, रजत, आलस बोलता है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, पता नहीं क्यों। हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है एडजस्टमेंट वाला, तो मैं लिख देता हूं इस पर होमवर्क। होमवर्क, होमवर्क, चलिए। तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये ए टाइप थी, देखो ए टाइप के इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल फंक्शन। दूसरी टाइप जो थी ये थी बी टाइप, मेक होल स्क्वायर अदरवाइज फैक्टर देन यूज फॉर्मूला। क्या ये वाली टाइप हमने पढ़ ली है? तो ये वाली भी हमने कर ली, ये वाली भी हमने कर ली, ये वाली भी हमने कर ली। अब तीसरी टाइप, अब ये टाइप कर ली है तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, इसको होमवर्क में लिख देता हूं, ठीक है, 3x² + 4। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या आप भाई? सर नीचे क्या आएगा अगर डेरिवेटिव करोगे आप, तो ये आ जाएगा 6x+4, तो इसका मतलब आपको ऐसा बनाना है, तो बना लोगे एडजस्ट करके, है ना? 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6x+9 बन जाएगा, जबकि आपको +4 चाहिए, तो 4 यहाँ छोड़ देना, 5 अलग कर देना, तो फिर वो क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन जाएगी।
एनीवे हालांकि इसको करने का एक और मेथड होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। yes. अब आती है हमारी सी टाइप जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। डीएक्स के अपॉन में अभी तो सारा क्वाड्रेटिक अपॉन में आता था, क्वाड्रेटिक ऊपर आता था, क्वाड्रेटिक जो है रूट में आता था, यही चीजें होती थी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो आप सारे डिनोमिनेटर में हैं, लीनियर और रूट में फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक रूट में लीनियर, लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक और पूरा पूरा क्वाड्रेटिक, तीन तरीके होते हैं और ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जो दो हैं इन दोनों के दोनों में लीनियर पार्ट रूट में है, क्या है देखिए लीनियर पार्ट रूट के अंदर है। तो जब कभी भी लीनियर पार्ट रूट के अंदर आ जाए तो लीनियर पार्ट को टी स्क्वायर पुट कर दो, बात खत्म, यानी ये वाली टाइप यहीं खत्म हो जाएगी। अब बचती है ये वाली टाइप जिसमें लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक होगा, इसमें भी लीनियर टी पुट कर दो। अब बचती है क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक वाली, और जब भी लीनियर वाला मामला खत्म हो जाए यानी लीनियर की पार्टी ठिकाने लग जाए, सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बच जाए, तो सिर्फ ये वाली टाइप हो या दुनिया की कोई भी टाइप हो, वहां पर एक्स को वन अपॉन टी पुट कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इस टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी टाइप हो जाए नीचे अगर रूट में और इसमें क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का वाला मामला बन जाए, कहीं भी लीनियर वाला पार्ट ना बचे तो एक्स को वन अपॉन टी करो, क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो हमने क्या सीखा कि दोनों रूट में लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक के साथ या लीनियर के साथ, तो वहां पे टी पुट करना है उसको, इसको लीनियर को। अगर लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक है तो उसमें लीनियर को टी पुट कर लेना है, तीसरे वाले में x इक्वल टू वन अपॉन टी। तो ऐसे याद करेंगे कि जब लीनियर खत्म हो जाए तो वहां पर x को वन अपॉन टी, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए लीनियर को पुट करना है, किसको पुट करना है लीनियर को। देखो यहां पे लीनियर को टी पुट करना है, यहां पे लीनियर को टी स्क्वायर पुट करना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, कौन सी टाइप है ये बताओ मुझे पहले। तो ये है लीनियर और लीनियर, और लीनियर और लीनियर में क्या करते थे हम, लीनियर इक्वल टू टी स्क्वायर, याद आया? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के केस में एक्स प्लस वन को अगर मैं टी स्क्वायर पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, डीएक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, और यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस वन। तो समझदारी के साथ मैंने इसको लिख दिया कि भैया टू टी डी टी, और यहां पर टी स्क्वायर माइनस वन, और यहां पर टी स्क्वायर, इससे इसकी लंका लग गई। क्या आपको लंका लगती हुई दिखाई दे रही है? Yes. Okay. क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? Yes. क्या इसका कोई फॉर्मूला याद है आप लोगों को? Yes. कौन सा, याद दिलाओ मुझे यार, याद दिलाओ। हमने कहीं शायद ऐसा कुछ पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जहां तक मुझे याद है इसका तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। अब आप लोग मुझे इसका और इसका याद दिलाओ। सर इसका आएगा लॉग मोड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन मोड क्लोज प्लस सी। चलो मेरे बहादुर बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, क्या मैं इसको x माइनस ए और x प्लस ए लिख सकता हूं? yes. इसका डिफरेंस बताओ, वन अपॉन टू स्मॉल अपॉन बिग, मैंने कहीं पर ये ट्रिक लिखवाई थी। yes. वही तो है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये क्या है, वन अपॉन टू लॉग x माइनस ए और x प्लस ए, खत्म, कोई दिक्कत? अरे याद नहीं रखते यार तुम लोग। यस सर, वो मैंने अंडर रूट वाला बोल दिया। ठीक है, चलो क्लियर है ना, तो मैंने ट्रिक याद दिला दी, मैं रट्टा मारोगे इससे अच्छा ये याद कर लो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ये बताओ कौन सी फॉर्म है, सभी लोग बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। ठीक है, तो मैं किसी का नाम लेता हूँ, वो बच्चा बताएगा, तो मैं नाम ले देता हूँ रैंडमली, सक्षम का नाम लूंगा। सक्षम बताओ बेटा कौन सी फॉर्म है, सक्षम बाबू बताओ कौन सी फॉर्म है ये,
सक्षम नहीं बोल रहा कुछ भी, कौन बोलेगा? रजत बता बेटा कौन सी फॉर्म है ये? अरे बोल दो भाई, ये भी नहीं बोलेगा तो दिखता, बोल बेटा कौन सा फॉर्म है ये? ओके सक्षम का माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है दिखता कौन सी फॉर्म है बेटा? क्वाड्रेटिक रूट, क्वाड्रेटिक। हाँ क्वाड्रेटिक रूट, क्वाड्रेटिक है, कुछ नहीं बचा, ये सिंपल सी बात है। ये क्या है? डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और याद करो जब लीनियर का पार्ट खत्म हो जाता है तो उस केस में एक्स को वन अपॉन टी पुट करते हैं, तो इसमें भी वन अपॉन टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। इसका मतलब देखो सभी लोग ध्यान से, यहां पर आ जाएगा डी टी माइनस आ जाएगा बाहर और वन अपॉन टी स्क्वायर इस जगह पर हो गया वन अपॉन टी का स्क्वायर और इस जगह पर हो गया वन अपॉन टी का स्क्वायर प्लस वन। समझदार लोग क्या कहेंगे? समझदारी से कहेंगे वन अपॉन टी का स्क्वायर टी का स्क्वायर, इससे ये वाली पार्टी कट जाएगी और यहां से टी स्क्वायर ऊपर आएगा, नहीं ऊपर आएगा टी, और यहां बच जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। और याद करो इस वाली पार्टी को यानी टी स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं जेड पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? टू टी डी टी डी टी दैट इज इक्वल टू डी जेड। और ये क्या आ जाएगा? टी डी टी दैट इज इक्वल टू डी जेड। क्या ये ऊपर कहीं दिख रहा है? तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस डी जेड अपॉन में भाई किसको पुट किया? इसको। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है तो दूसरा पैन ले लेते हैं अब। तो आई होप सबको क्लियर होगा, बढ़े आगे। यस सर। ओके आगे बढ़ रहे हैं लो। अब एक क्वेश्चन ये देख लो। अब यार ये इतना फैला फैला क्वेश्चन है, क्यूबिक की फॉर्म में क्वेश्चन है, क्या करें इसको? तो सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ बना सकते हैं इसको। तो मैंने यहां लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, एक्स की क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ये किसी का फॉर्मूला होता है यार? क्या आप लोग एक्स प्लस वन की क्यूब ओपन करके दिखा सकते हो मुझे? यस सर। यही आएगी क्या? यस। पक्का? ए की क्यूब बी की क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये आएगी ठीक। तो हमने लिखा x की क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ऐसा ऐसा ही दिख रहा है यार मुझे तो। ये तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, dx अपॉन x प्लस वन की क्यूब। अच्छा एक चीज और देखो, नोटिस करने वाली बात है, क्या यार अंदर भी कुछ ऐसा x प्लस वन की x प्लस वन समथिंग कुछ दिखाई दे रहा है आपको कहीं? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है बताओ मुझे, बताओ क्या दिख रहा है? इसमें 4 प्लस कर देते हैं, 4 माइनस कर देंगे। अच्छा ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो आप कह रहे हो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो प्लस 4 और माइनस 4 किया तो प्लस 4 और माइनस 4 से क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब सिचुएशन वियर्ड हो जाए तो देन ट्राई टू सिंपलीफाई, तो ट्राई टू सिंपलीफाई कर लिया तो क्या बन गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। और अगर ऐसा बन गया तो अब तक जो पुट कर रहे थे, अब कुछ ऐसी चीजों को टी पुट करोगे। तो देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब भी कहानी में लीनियर का रोल खत्म हो जाए तो 100% वन अपॉन टी पुट करिए, काम हो जाएगा। लीनियर है क्या इसमें कहीं? है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या पुट करना है? एक्स को वन अपॉन टी। क्या ये बात मैंने बोली थी आप लोगों को? यस। ठीक है। ठीक है, तो ये बात याद रखो। आगे x प्लस वन को वन अपॉन टी पुट किया। अब आप समझिए वहां पर सब में x था तो x को करते थे, यहां पर क्या बना है? x प्लस वन की फॉर्म में बना है तो x प्लस वन को पुट किया है, होना वही है सारा कुछ। तो ये आगे मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, इसमें टाइम खराब करने से अच्छा है। ये क्या हुआ, खत्म हो गया तो इसको कर लेते हैं कीप।
आगे स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? दूसरी फाइल उठाता हूँ अभी। yes. डिस्प्ले हो रहा है क्या आप लोगों को? yes, अब हो रहा है बेटा? इज इट? yes, हो रहा okay, है। ठीक है, चलिए हो रहा है। चलो, अब तक की जो कहानी थी आप समझ गए इंटीग्रेशन में क्या क्या करते थे। अब हम बीवीआई कैटेगरी, बीवीआईपी कैटेगरी होती है ना एक अलग टाइप की। हालांकि आपको याद होगा मैं ऐसा करा चुका हूं, जो मैं यहां पे कराने वाला हूं वो आपको आता है, मैं आपको सिखा चुका हूं। आप गौर से देखिए, एक टाइप लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन, नीचे लिखा हुआ एक्स की पावर फोर प्लस माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इस टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे और ये हमें करने होंगे। सिंपल सा फंडा होता है, मेरी बात सुन लीजिए, सिंपल सा फंडा ये होता है कि ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, किससे? एक्स स्क्वायर से। और ऐसा बनने के बाद ऊपर देखते हैं कि बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन। अगर आपको ऊपर प्लस का साइन दिखता है तो नीचे माइनस टू प्लस टू लिखेंगे, लेकिन अगर ऊपर माइनस का साइन दिख जाता है तो आप प्लस टू माइनस टू लिखेंगे। समझे मेरी बात को? गॉट इट? यस सर। क्या ये बात मैंने पहले भी कभी बताई है? यस सर। यस सर। चलिए चलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दो यहां पे नोट लिखे हुए हैं। पहली बात है कि सबसे इजी टाइप है और आईआईटी का फेवरेट है, आईआईटी का फेवरेट है और जेई में भी अब उठाया जाता है। तो भैया करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर देता हूं, उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि यहां पर डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते ही क्या सभी बच्चों को ये ऐसा दिख रहा है या मुझे ही दिख रहा है? यस और नो? दिख रहा है बच्चों? यस सर। ऊपर प्लस का साइन है या माइनस का? प्लस और माइनस क्या है ऊपर? प्लस। प्लस तो नीचे क्या होगा? माइनस टू प्लस टू। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? मैंने कहा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख दोगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूं तो ये आ जाएगा इतना। और ये चीज कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको दिख रही है, मुझे ही दिख रही है? yes, sir. दिख रही है ये चीज? तो आई थिंक सबको दिख रही है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया डी टी, ये हो गया टी स्क्वायर, और ये हो गया रूट टू का स्क्वायर। क्या याद है किसी को क्या फॉर्मूला होता है ये? yes, sir. क्या होता है बता दो जरा थोड़ा सा, क्या ऐसा ही कुछ होता है? yes. चलो शाबाश। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और रूट टू एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया ये। ठीक, अरे आ गया बच्चों समझ में? yes, sir. कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? चलो आगे चल रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि इस क्वेश्चन में दिखाने हेलो भाई साहब आपके लिए है ये।
क्लियर है? यस सर। भैया ये क्या क्वेश्चन है? तो वही छोटा सा काम कि डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, और डिवाइड करते ये दिखेगा 1 - 1/x². ध्यान से देखो, ऊपर बीच में माइनस का साइन आ रहा है, और अगर ऊपर बीच में माइनस का साइन आ जाए तो प्लस 2 और माइनस 2 होगा। और अगर ऐसा हो गया तो थोड़ी देर में मैं इसका एक स्टेप खा गया, और स्टेप खाने के बाद मैंने इसको लिख दिया ऐसा। क्या आप समझे? समझे? यस सर। और इसका फॉर्मूला याद करो, 1/2a log small upon big plus c, याद है? Yes. चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब ये चिल्लड़ थोड़ी आएगी पेपर में यार, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें एडजस्ट करने वाली ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको आपके सामने दिखा देता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, उसी मेथड से सारे करते जाऊंगा। 1/1 + x², ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला जो है 1/x² हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये 1 हो जाएगा। अब इस 1 से घबराओ मत, आपको वही करना है, ऊपर प्लस दिख रहा है तो -2 + 2 करना है, बाकी सबको गोली मारो, वहां पर कुछ भी लिखा हो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप इसको और इसको लेके अपना बना लेंगे ये, और बाकी का जो भी बचा है, क्या प्लस का 1 और प्लस का 2, तो मिलके हो गया 3, और 3 को लिख लिया ये। क्या आपको समझ आ गया कि ये t के बराबर होगा? Is it clear to all? समझ गए? Yes, sir. अच्छा, ओह माय गॉड, ये क्या है, ये क्या है भाई लोगों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलो अभी वेट करते हैं, थोड़ा और आगे मजबूत हो जाओ तब करना है इसको, ठीक है? अभी मैं छोड़ दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये देखिए, पहले किसी को आता है ये वाला क्वेश्चन? सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री का, किसी को आता है? ये सौमिल का है आज, सौमिल आता है ये? ऐसा किया हुआ है अभी टाइप, ऐसे टाइप का क्या करेंगे बेटा? कुणाल वेयर आर यू? जैसे किया था मैंने, एक मिनट सोच किया था, तो हिंट दे दो यार मुझे भी थोड़ा सा। इसके अंदर 10x को t स्क्वायर पुट कर देंगे, 10x को t स्क्वायर पुट अगर कर दिया तो क्वेश्चन हो गया। देखो क्या है, देखने में तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। देखो आपके सामने वो पहली बात तो रूट लिखा हो तो टी स्क्वायर पुट करोगे तभी रूट हटेगा। तो आपने क्या किया कि टेन एक्स को आपने टी स्क्वायर पुट किया, और यहां पर इसमें थोड़ी सी मेहरबानी दिखाते हुए इसको लिख लिया ऐसा। कोई दिक्कत है किसी को इस बात से? मुझे नहीं लगता होगी किसी को। ये हो गया डी एक्स, इसका जब किया तो आपको मालूम है कि टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² होता है, और जब x का करते हो तो 1 आता है, तो 1 यहां लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर ये x की जगह पर यहां पर कुछ और आने लगे, मान लीजिए यहां पर आ गया 2x ऐसे, तो आपको करना पड़ेगा, और वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऐसे ही इस केस में ये हो गया 1 + t² का स्क्वायर, और इसका करना पड़ेगा, तो इसका क्या आ गया 2t। तो क्या आप लोगों को इतनी समझदारी आ गई है कि ये ऐसा लिखा हुआ है? यस और नो? क्लियर है ये बात? अच्छा yes. तो इस वाली पार्टी को मैंने क्या माना है, टी स्क्वायर, तो इसका मतलब टी माना है, और ये क्या है, 2t / t⁴ + 1 dt। क्लियर है ये बात? ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल, ये लिखा हुआ t⁴ + 1 dt, और धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि आप जैसे क्वेश्चन अब तक करते आए हो, पिछले 4 क्वेश्चन, वैसा ही कुछ दिख रहा है। देखो जरा ध्यान से, t² + 1/t⁴ + 1 dt एंड t² - 1/t⁴ + 1 dt, क्या ऐसा दिख रहा है आपको या मुझे ही दिख रहा है? Yes, yes,
और ये वाला क्वेश्चन हमने 400-500 साल पहले किया था, और ये वाला भी हमने किया था कभी। यस और नो? यस कर लोगे? अच्छा, यस सर तो अगर टेन का ऐसे कर सकते हो तो कॉट का तो ऑब्वियस कर सकते हो आप लोग, तो इसमें मैं कोई दिक्कत ना दूं आपको। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, बताओ कोई मुझे सलाह दो क्या करूं, बताओ। चलो तुम लोगों को मैं सोचने का टाइम देता हूं, 2 मिनट का सोचो और सलाह दो, तब तक मैं ये खाता हूं, ठीक है? बताओ मुझे क्या करेंगे। सर टेन एक्स को लिख लीजिए साइन बाय कॉस, और कॉट को लिख लीजिए कॉस बाय साइन, फिर अच्छा क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, कौन बोल रहा है ये? कुणाल। ठीक है, आगे यस सर। आगे। सर तो ऊपर बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, आगे। सर साइन एक्स ऊपर लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को मैं टी ले रहा हूँ, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, अच्छा और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को अगर टी लिया तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो वहां से मेरे को 2 sin x cos x की वैल्यू मिल जाएगी, टी स्क्वायर माइनस वन, उसको मैं नीचे पुट कर लूंगा, फिर ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा सॉल्वेबल वाला। इसको एक तरीके से मैं और किसी और सकते से। हैं हाँ सौमिल बोलो तुम। सर कॉट एक्स को 1/10x लिख सकते हैं, बस हो गया क्वेश्चन, तो हमारा शॉर्ट बन में हो जाएगा गया ये तो, सर, उसके बाद इजी हो जाएगा भाई। बहुत शॉर्ट में चला गया ये तो। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे गलती ये करेंगे, क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं, वो कहेंगे कि भैया ने, सर ने अभी अभी तो सिखाया है कि √10x का भी सिखाया है और √cot x का भी सिखाया है, लेकिन प्यारे बच्चों उसमें दिक्कत यह है कि √10x के भी दो पार्ट बने थे, रूट कॉटेक्स के भी दो पार्ट बने थे, टोटल 4 पार्ट बना बैठोगे, और 4 पार्ट में वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना प्लस माइनस करना, तो आपके तो लट्टू बन जाएगा आपका। तो एक तो जो तरीका उसने बताया, कुणाल ने बताया, और दूसरा तरीका जो सौमिल ने बताया, तो सौमिल वाला है वो सबसे बेस्ट है। वो सौमिल वाला बेस्ट क्यों है आप समझिएगा अभी, देखिए आपके सामने करूंगा और आपको सौमिल वाला तरीका बेस्ट क्यों लगा ये मैं आपको आपके नजरों के सामने करके दिखाता हूं। ऐसा लिख लिया, तो ऐसा लिखने में तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं, ये जाके जब एलसीएम होगा तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, ये 10x+1/ में √10x हो जाएगा। कोई आपत्ति किसी को इस बात से? आई होप नहीं होगी। ठीक नो है, सर। अब थोड़ा सा काम किया कि हमने 10x को टी स्क्वायर पुट किया, और x को हमने टेन इनवर्स टी स्क्वायर कर लिया, और डीएक्स को हमने क्या कर लिया, वही आपको मालूम है क्या आ गया था, ये आ गया था, ठीक है, डी टी। चलिए लिखते हैं, तो आपके हिसाब से 10x क्या है, टी स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर प्लस वन हो गया। आपके हिसाब से ये क्या है, ये टी है। आपके हिसाब से डीएक्स क्या है, ये 2t/1+t4dt है, और आपके हिसाब से ये एक्स से एक टी से टी कट गया, आपके हिसाब से ये आ गया बाहर। देखना यार ये तो सिंगल क्वेश्चन बन गया, समझ आया? अरे समझ आया यस सबको? यस तो ये तो ऐसा बन गया, अब हो जाएगा आगे, हो जाएगा बच्चों? यस यस सर। अच्छा, तो जो सौमिल ने बताया काफी इजी वे था, लेकिन जो कुणाल जो चला गया वो थोड़ा लॉन्ग वे से चला गया, साइन कॉस में हो तो उससे भी जाएगा। अभी एक क्वेश्चन घटिया था, टाइम खराब होगा इसलिए मैंने इसको ऐसे लगा दिया है, सिर्फ एक चीज समझ लो। देखिए ये सिंपल सी बात है, ये कॉज में ये टेन में, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक में कन्वर्ट करोगे तो जाके क्वेश्चन होगा, तो कॉज को क्या लिख लिया मैंने, पाई बाई टू साइन इनवर्स, और इसका फॉर्मूला आपको मालूम है ये रहा, तो इसकी जगह ये आ गया, और इसका फॉर्मूला भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया है, तो ये आ गया, इससे इसकी लंका लग गई, तो पाई बाई टू हो गया कॉन्स्टेंट जिसको बाहर फेंक दिया,
अब एक बात बताओ, कहीं पर लिखा हो dx इक्वल टू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, क्या करते थे आप इसको? आप कर लेते थे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जरूरत पड़ती थी इसको वापस से आप कर लेते थे a माइनस b और a प्लस b। अब यही सेम चीज 8 पावर के लिए आ जाए, इसके लिए 8 पावर के लिए, तो ये आ गई 8 पावर के लिए। तो आपने एक बार माइनस में लिख लिया, एक बार प्लस में लिख लिया, 4 4 करके, ऊपर सिर्फ dx था, तो आपने क्या कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लिया, तो ऊपर बन गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से सेपरेट किया, सेपरेट करते करते नीचे जाके मेरा रोल सिर्फ इतना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है देखो yes. और यही तो हम करते आ रहे हैं इतनी देर से, तो इसलिए इसमें भी मैंने पूरा नहीं किया और क्या लिख दिया, डू योर सेल्फ ओयो, ठीक है? तो इसको कर लेना। तो टाइम कितना हो गया, टाइम बता दो मुझे, 7:32, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे ओवर कर दें क्या? yes. अब बस अवशेष बचे हैं जिसमें हम एक दो टाइप और करेंगे, फिर चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में खत्म हो जाए, अगली में नहीं होगा तो एक और में खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चा बड़ी? तो बात सर डेफिनेट वाला बच्चों, उसके बाद हाँ डेफिनेट करेंगे, फिर करना ही पड़ेगा, डेफिनेट ही करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? सर ये पूछनी थी, जैसे इसमें बहुत सारे इंटीग्रल्स होते हैं जो हम मतलब फाइंड नहीं करते हैं, जैसे अंडर रूट साइन एक्स भी होता है, साइन एक्स स्क्वायर सब, सर जैसे अभी आ जाए एग्जाम में, तो हम वहाँ पे ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि देखो बेटा नहीं होगा? इसकी ना पूरी लिस्ट है इंटीग्रल्स की, एक बुक आती है हॉल एंड नाइट करके, वो हॉल एंड नाइट जो बुक है वो बहुत ज्यादा चलती है, कोटा वोटा में यूज करते हैं लोग, तो वो बुक इसीलिए फेमस है कि पूरी लिस्ट बना के दे रखी है, ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो नॉन इंटीग्रेबल है, लेकिन पेपर में आपको, आप वो कर रहे हो आई थिंक सिन्हा कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, गोयल कर रहे हो, क्या आपको उसमें कोई क्वेश्चन मिला ऐसा जो नॉन इंटीग्रेबल हो? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मिला। नहीं मिला ना, तो क्वेश्चन एक्चुअल में उनको करवाना होता है, उलझाना नहीं होता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप 40 ईयर उठा के देख लो, ठीक है, पिछले 4 साल की आईआईटी क्वेश्चन की बुक उठा के देख लेना, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, क्योंकि उसकी कोई पहचान भी नहीं है ना, सीधा सीधा कोई मेथड ही नहीं जिससे हम ये फिगर आउट कर लें कि ये फंक्शन जो है नॉन इंटीग्रेबल है। जैसे x tan x है सर, देखने में लगता है कि इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन नॉन इंटीग्रेबल है। ऐसे जैसे x tan x हो गया, और अपॉन की फॉर्म में भी होते हैं ऐसे बहुत सारे। यस सर, मैंने एक जमाने में कभी लिस्ट बनाई थी, मतलब जब हम यंग होते हैं ना, अब तो मैं बुढ़ा गया हूँ, जब यंग होते हैं तो हमें लगता है बच्चों को ये भी सिखा दें, ये भी सिखा दें, ये भी सिखा दें, फिर एहसास हुआ कि यार ये कोई फायदा तो है नहीं इसको सिखाने का, कहीं आना ही नहीं, कहीं पूछना ही नहीं, कहीं बताना ही नहीं, ठीक है? जरूरत लगे आपको तो मुझसे लिस्ट ले लेना, मैं ढूंढ ढांड के कहीं से दे दूंगा, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? चलिए, एक डीपीपी इसमें दी है, एक असाइनमेंट मैंने उसमें डाला था, तो दोनों कर लेना, अगर कर लोगे तो आपका ये निपट जाएगा पूरा, ठीक है? और एक क्लास या दो क्लास में वो आप आखिरी का जो बचा है वो खत्म कर देंगे, राइट? चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड नाइट, यू आर वेलकम, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।